Hello friends, welcome to ProTalent, and this is a very important discussion for your CLAT preparation. I'm sure aap sabko pata hoga that aakhri ke kuch din bache hai, 12 May is your examination. Aur aakhri ke kuch dino mein, ye jo test series hoti hai, 3 mahino mein, that is February, March and April, ye 3 mahino mein test series ko kaise use kare, theek hai, uske upar ye bahut mazedar sa video hai, acche se isko end tak dekhiyega. Because this will give you a lot of important clues. साथ साथ में मैं आपको ये भी बताते चलूंगा that ProClat test series आपको कैसे मदद करेगी. Okay? तो ये पूरा discussion हम करने वाले हैं. So अब आपको ये पता होना चाहिए that you are competing with what kind of people. Okay? अब आपको पता होगा that CLAT की exam में करीबन 55,000 के आजूबाजू students exam देते हैं. Yes or no? और उनमें से कितने लोगों को एडमिशन मिलेगा? We are talking about करीबन जो टॉप NLUs की बात अगर हम करें, so there people are going to be in some around 500 rank. Yes or no? Top NLUs, बराबर. और वो भी बहुत ही ज़्यादा टॉप वाली NLUs की बात हो रही है. और करीबन अगर आप 1000 के अंदर रैंक लाएंगे, then you have a good chance of getting into NLU. Okay, so that means this is a place where you should have a mindset of becoming a topper. Agar aap topper ho, to yahan pe kuch fayda hone wala hai. Agar aap topper ka mindset nahi leke chal rahe ho, to fayda nahi hai. Okay, so therefore it is very important ki aap agle 3 mahina kis achhi tarike se taiyari kare. Okay, aur yahin pe main आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक रास्ता दिखे कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. रिगरस प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू रीच टू द टॉप. ओके, सो देयरफॉर लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू टेक दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू रिक्वायर सिस्टमैटिक टेस्ट टेकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट जैसे अपने हिसाब से आ रहे हैं और आप रैंडमली दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिस्टम. ठीक है, क्या सिस्टम होनी चाहिए? सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर वन, डिवाइड योर सेक्शनल टेस्ट इनटू वेरियस फेजेस. ओके, अब 3 फेजेस है वो तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पर आप इसको अपने मुताबिक फेजेस में लगा सकते हैं. मेरा सजेशन इज, नंबर वन, पहला फेज दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस और एक्वेंटेंस फेज. Second phase called performance phase. Okay, and third phase is a success phase. Okay, so ये phases आपको पता होने चाहिए. अब ये क्या है भाई? ये phase है जहां पे आप अपने जो test दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे मानो awareness वाले स्टेज पे आपने मानो 10 mocks दिए. ओके, और करीबन 50 sectional test दिए. अब यहाँ पे you are not expecting too much of marks. ठीक है, आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रख रहे, आप सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस नेचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से मुझे क्या क्या सब्जेक्ट नहीं आता है, क्या क्या सब्जेक्ट में परेशानी है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना है, किधर ज्यादा ध्यान देना है. तो ये सब चीज आपको यहाँ से अवेयरनेस से पता चलेगी. दैट इज द फर्स्ट थिंग. जहां पे आपके 10 मॉक निकल जाए कोई पंगा नहीं है. ठीक है, 10 मॉक में आपके 60 आ रहे, 70 आ रहे, 80 आ रहे, डोंट वरी. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. यहाँ पे आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के चल रहे कि टाइमलाइन कैसे फॉलो करना है. मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि टाइमलाइन कैसे फॉलो करना चाहिए, एक पर्टिकुलर जैसे सेक्शन में कितना समय देना चाहिए, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था. तो वो आप परफॉर्मेंस वाला पॉइंट पे आप वहां पे अप्लाई करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी वहां पे अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब उसमें समय लगेगा. सो आप वहां पे 10 मॉक की जगह पर रफली 20 मॉक्स लगा सकते हो और 50 सेक्शनल टेस्ट आप ले सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन वेरी वेल डू. एंड देन कम्स द सक्सेस पार्ट. अब यहाँ पे क्या करना है, जब आपने परफॉर्मेंस देते देते यू हैव रीच 220 125, वो रेंज तक अगर आप पहुंचे हो, ठीक है, तो अब उसके बाद यू हैव टू मेंटेन, एंड देयरफॉर आखिरी के 5
मॉक्स, ठीक है, और बाकी के 80 सेक्शनल टेस्ट विल हेल्प यू टू वर्क ऑन इट। अब ये नंबर मैंने प्रो टैलेंट के जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। यू कैन हैव योर ओन नंबर, दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग, बट मेक श्योर यू हैव दिस प्लान इन योर माइंड दैट यू डिवाइड इन टू वेरियस फेजेस। पॉसिबली इफ यू थिंक दिस इज लिटल बिगर, यू वॉन्ट टू डिवाइड फर्दर इन टू टू अदर सब डिविजन, जहां पे आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 80 से 100 जाऊं और 100 से 120 जाऊं, ऐसा अगर आप कुछ सोच रहे हो, विच इज प्रीटी मच ओके, बिलीव मी ये वाला जो एरिया है वो आपको मदद करेगा। यहाँ पे ये परफॉर्मेंस वाले एरिया में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना मस्ट है, आपने इतने टेस्ट दे दिए हो वो मस्ट है, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स अपनी पूरी तैयारी करते नहीं है, प्रैक्टिस करके आए नहीं है, फिर भी देयर एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई फ्रॉम द मॉक्स विच विल नॉट वर्क, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, ओके। सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक, ओके। चलिए ग्रेट, सो सबसे पहली चीज क्या हो गई, डिवाइड सेक्शनल टेस्ट इन दी फेजेस, थ्री फेजेस मैंने यहाँ पे बताया, ओके। अब क्या करेंगे उसके बाद, दिस थ्री फेजेस में भी सब फर्दर सब डिवाइडेड इन टू सब फेजेस, एवरी फेज मे इंक्लूड सर्टन नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल और फुल लेंथ मैंने यहाँ पे 10 डाले, आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक गाइडेंस दे दिया है, नाउ यू रिव्यू ऑल दिस फेजेस वेरी थरली एंड मेक प्लान फॉर द नेक्स्ट बंच ऑफ टेस्ट, ठीक है। ये इतना क्रूशियल है कि आप अगर प्रीवियस टेस्ट ढंग से नहीं दे रहे और आप आगे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना चाहते हो, कोई फायदा नहीं है। सही सुन रहे हैं आप, कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जो आपने एक टेस्ट दिया उसको रिव्यू कैसे किया, एंड देन यू हैव टू सी योर एवरेज स्कोर इन दिस टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को किस तरीके से मेजर करते हैं, कोई एक टेस्ट में उनका बड़ा स्कोर आया, गॉट 130, एंड दे कीप देयर माइंड एंगेज विद दैट 130 वाला पार्ट, यार मेरी तो कैपेबिलिटी 130 वाली है, पर भाई तेरा एवरेज स्कोर 100 आ रहा था, ठीक है, और तेरा एक बार गलती से 130 आया, विच मीन्स एग्जाम में तेरा 130 नहीं आने वाला रफली, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज बेटर टू थिंक इन एन एवरेज मैनर। कैसे देखना चाहिए चीजों को, एवरेज फॉर्मेट में देखना चाहिए। आपका एवरेज स्कोर कितना आया फर्स्ट फेज में, एवरेज स्कोर कितना आया सेकेंड फेज में, और थर्ड फेज में कितना एवरेज स्कोर आया, दिस इज द गेम, ओके। सो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक टेस्ट टेकिंग, ठीक है। यहां पे आप इस तरीके से सोचेंगे। अब आती है बात सेकेंड, दैट इज प्रोक्लेट के सपोर्ट के द्वारा। अब प्रोक्लेट आपको क्या क्या देगा, सबसे पहली चीज कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपको लिखने चाहिए। आई थिंक दैट यू शुड टेक लार्ज इनफ, ठीक है, द नंबर शुड बी लार्ज इनफ दैट एनी सीरियस कैंडिडेट यू आर कंपीटिंग विथ, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू यू कैन से रीच टू दैट लेवल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी, देर आर 55,000 स्टूडेंट्स, मेरा मानना है जो सही कंपिटिशन है आपकी दैट इज विद सम अराउंड 8,000 to 9,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, पर फिर भी टू इंक्लूड ऑल द वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक द रियल कंपटीशन ऑफ योर्स लाइज विद दोस 8,000 to 9,000 स्टूडेंट्स, एंड उस 8,000 to 9,000 में से अगर आपको पहले 500 में जाना है, सो अगर ये परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं बात करूं, सो दिस विल पॉसिबली वी कैन से रीच टू सम अराउंड 6 to 8%, दिस इज ह्यूज। इतना बड़ा परसेंटेज कोई एग्जाम देता नहीं है, और मुझे अगर 6 to 8% में घुसना है 8,000 to 9,000 बच्चों के अंदर, तो मुझे इनफ नंबर ऑफ टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़े, ठीक है। प्रो टैलेंट की तरफ से आपको 35 मॉकलेट्स और 180 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मदद करेगा। साथ साथ में 10 इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक टेस्ट है, और ये जो टेस्ट है ना वो काफी बेसिक लेवल से हाईली एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। बहुत बेसिक वन लाइनर क्वेश्चंस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बात करे, सर बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं करूँ क्या, ठीक है। मेरा ये आंसर होता है कि आप बेसिक क्वेश्चंस करो और उसमें आपकी एक्यूरेसी देखो। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, 90% है, ग्रेट, ठीक है, तो आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस या कुछ टेस्ट स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो, पर बेसिक क्वेश्चंस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट, ओके।
सो लेट मी शो यू कैसे प्रोटोलैंड का पोर्टल दिखता है, ठीक है, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। ओके, तो ये अपना पोर्टल है, जो ये है प्रोटोलैंड का पोर्टल, जहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, टोटल अभी तक 128 टेस्ट है, ठीक है, उसमें से ये भाई मेरा पोर्टल में 20 टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, 103 रिमेनिंग है, 5 इनकम्प्लीट है, इतने मिस, अब मिस वाला कोई पॉइंट होगा नहीं आपको। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ से टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेस्ट यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले पन्ने पे करीबन 10 प्रोक्लेट्स का लिस्ट है, उसके बाद लीगल जनरल अवेयरनेस के 30 टेस्ट है, और ऐसे कर करके आप यहाँ नीचे एक एक पेज पे जाएंगे तो आपको अलग अलग टेस्ट दिखेंगे, ठीक है। ये सब सेक्शनल टेस्ट है, हर एक टेस्ट में लिखा हुआ है दैट कितने मार्क्स का है, कितने मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। दिस ऑल आर बेसिक वंस, ठीक है, ये पूरे बेसिक्स है, ये आपको गो थ्रू करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको करना बिल्कुल जरूरी है। साथ साथ में आपको यहाँ पे एनालिटिक्स मिलेगा, ठीक है, दिस एनालिटिक्स विल हेल्प यू अ लॉट, ओके, ये एनालिटिक्स आपको बहुत मदद करेगा ताकि आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना आया, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे रैंक क्रिएट होगा, आपका रैंक क्रिएट होना इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे या आप स्टेटस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका एनालिटिक्स यहाँ पे खुल जाएगा। एनालिटिक्स इज बीन डेवलप्ड इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए, उसमें से आपका रैंक कितना है, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम टेकन सेक्शन वाइज है, टॉपिक वाइज है, कंपेरिजन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर वाइज आप एक क्वेश्चन का रिव्यू मार सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टाइम टेकन इन सेक्शन का गणित है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। ये जो मैंने निकाला था वो लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट था, ठीक है, ऐसे मैं हर एक टेस्ट का यहाँ पे रिव्यू कर सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, ठीक है, दिस इज हाउ द एंटायर पार्ट, ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट। सो वी विल कम बैक टू आवर पीपीटी वन मोर टाइम, ओके। तो यहाँ पे हमने बात करी थी दैट इनफ नंबर ऑफ आपके पास क्लैट होने चाहिए। अब आती है सेकेंड बात दैट परफेक्ट एनालिसिस। अब कोई भी टेस्ट आपको अच्छा एनालिसिस कब कर पाएगा, जब उसके पास ओवरऑल एनालिसिस करने का मौका होगा, सेक्शन वाइज एनालिसिस होगा, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होगा, ठीक है, एंड देयर इज अ कंपैरिजन इज आल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया, मैं वापस वो एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको दिखाता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोक्लेट 8 दिया है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं किया था, सो दैट्स अ सेपरेट मैटर, ठीक है। अब यहाँ का एनालिसिस हम देखते हैं, ठीक है, प्रोक्लेट 8 का, लेट मी डिस्कस प्रोक्लेट 4, ओके, ये मैंने दिया था, ठीक है, अभी ये मैंने बहुत समय पहले दिया था, लेट्स सी हाउ द एनालिसिस शोज, कैसे सेक्शन वाइज एनालिसिस मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम टेकन दिखा देता है, 2 घंटे का पेपर था और मैंने करीबन 9 मिनट 53 सेकंड्स में इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और मैंने 148 क्वेश्चंस लेफ्ट करे, सो दिस इज ऑब्वियसली मतलब इनसिंसियर, ठीक है, सही तरीके से किया ही नहीं है, बराबर है। अब यहाँ पे कंपेरिजन है, ठीक है, ये मेरा है 36 स्टूडेंट्स ने दिया और 35 मेरा रैंक है, अब ये कंपेरिजन है, जो टॉपर है उसके 139 मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये अटेम्प्टेड 173 क्वेश्चन, नाउ वी डोंट नो इज अ टॉपर, दैट इज ही मटेरियल, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो नेक्स्ट नंबर के साथ, सेकंड वाला, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, यू कैन कंपेयर एक्चुअली, ठीक है, विथ एवरी स्टूडेंट, ओके। फिर आता है आपका ये क्वेश्चन एनालिसिस, ये आपका टेस्ट एनालिसिस है, टेस्ट एनालिसिस में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो आप कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया, ये टाइम पर क्वेश्चन का एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेकन इन सेक्शन, ठीक है, वर्बल एबिलिटी में मैंने कितना टाइम दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दिया, यहाँ पे मैंने 34 सेकंड का टाइम दिया, ठीक है, और इस तरीके से मेरा यहाँ पे एनालिसिस दिया है, दिस इज वेरी क्रूशियल, और साथ साथ में यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन विद एवरी क्वेश्चन, यू कैन गो टू इनकरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली और यू कैन डायरेक्टली गो टू अटेम्प्टेड क्वेश्चंस और यू में डायरेक्टली गो टू दी करेक्ट क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो आपके टेस्ट के अंदर इस तरीके का एनालिसिस होना मस्ट है, ठीक है, सो प्रोटोलैंड इज गोइंग टू गिव यू सच काइंड ऑफ सुपर्ब एनालिसिस, प्लीज आप उसको यूज करें, ठीक है, एंड उसके बाद आपको प्रोक्लेट की तरफ से स्टडी मटेरियल मिलेंगे, विचार एक पहला ग्रुप है जहां बेसिक्स मिलेगा, वोकैब मिलेगी, मैथ्स की फॉर्मूला शीट मिलेगी, बेसिक लीगल नोट्स मिलेगी, बेसिक्स ऑफ स्टैटिक जीके मिलेगा, ठीक है, स्टैटिक जीके में वी हैव गिवन 1000 क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके के 1000 MCQs is what we have provided, ठीक है, then we have given moderate level practice questions on legal, ठीक है, we have given advanced level legal knowledge
का मटेरियल लाइक इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स, एंड वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू द एडवांस्ड लेवल करंट अफेयर इन अ पीडीएफ फॉर्मेट. दिस इज वॉट द कंटेंट वी हैव प्रोवाइडेड. लेट मी शो यू वन मोर टाइम. सो दिस इज माई डैशबोर्ड एंड हियर इफ आई गो टू स्टडी मटीरियल. आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टडी मटीरियल? यस. मैंने अगर वहां पे क्लिक किया, आई हैव अ लिस्ट. सो दैट्स अ डिसंबर का करंट अफेयर अवेलेबल है, नवंबर है. ये ना बाजू से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, व्यू कर सकते हैं. idioms, phrasal, verb है, जनरल स्टडीज, ये रहा 1000 क्वेश्चन का लिस्ट. ओके, ठीक है. उसके साथ साथ आपके पास ये लॉ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम मैथ्स, वोकैब के लिए स्पेसिफिक पार्ट है, ग्रामर की बुक अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन का नोट अवेलेबल है, ठीक है. ये आपको क्लैट के लीडिंग केसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, लॉ ऑफ टॉर्ट के, ये सब चीजें आपको अवेलेबल है, ठीक है. सो दैट वे यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल सपोर्ट by ProTalent, ठीक है. That way you get wonderful support from ProTalent on your, you can say, ProClad test series. So make sure that you use this to the maximum level, okay? ठीक है. So आपके test series को कैसे लेनी चाहिए? मैंने बताया कि एक बार अच्छी तरीके से उसको तीन भागों में divide करो, ठीक है. Number two, आप उसको अच्छी तरीके से review करो, proper compare करो, analysis करो और अगले test के बारे में प्लान करो. दिस इज वॉट यू शुड डू विथ योर टेस्ट सीरीज. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.